हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल गोभी मंचूरियन, वो भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज की गोभी थी जिसको बिल्कुल ग्रेटर से ग्रेट कर लिया अच्छे से, और इसको मैंने गर्म पानी में सोक करके रख दिया था। उसके बाद इसका सारा पानी निकाल दिया है धो के अच्छे से। ये मैंने दो गाजर ली थी उसको भी ग्रेट करके ऐड कर दी है। बारीक कटी हुई अदरक डाल दी, बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ मसाले डालेंगे जिसे मैंने 1 चम्मच के करीब काली मिर्च डाली थी। कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच मैदा ऐड किया था और 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड किया था जिससे बाइंडिंग हमारी अच्छे से हो जाए। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपको हाथ का इस्तेमाल करना जिससे ये अच्छे से बाइंड हो जाता है। तो इस तरीके से आपको भी अच्छे से करना है जिससे इसमें बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो चुका है। तो उसको हम बॉल बना के देखेंगे कि हमारी बॉल अगर अच्छी बन रही है, टूट नहीं रही है, तो ये परफेक्ट है। अगर आपकी बॉल टूटे तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर उसमें और ऐड करना है, तो थोड़ा सा और ऐड करके उसको मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बॉल हमारी बन गई है। थोड़े बड़े साइज़ की बॉल मैंने बनाई थी, आप छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक छोटी सी बॉल मैंने फ्राई करने डाली थी जिससे पता लग सके कि ये टूटेगा तो नहीं तेल पर। तो ये बिल्कुल परफेक्ट थी, नहीं टूट रही थी। तो इसके बाद मैंने सारी ऐड कर दी वन बाय वन करके और इनको अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया अंदर तक अच्छे से पक जाए। इसको डालने के बाद तुरंत चम्मच नहीं चलाना है, हल्का ऐसे ही हिलाना है। उसके बाद आपको जब सेट हो जाएगा फिर चम्मच चलाना है। स्ट्रीट स्टाइल गोभी मंचूरियन, पत्ता गोभी मंचूरियन आप अपने घर में खुद बना सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि बाहर का खाना आप घर पे ही बनाया करें जिससे आप थोड़ा हेल्दी खा सकें। तो देखिए यहाँ पे हमारे परफेक्ट गोभी मंचूरियन बनके रेडी हो चुके हैं। ये ड्राई भी आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रेवी वाला बनाया था। अब मंचूरियन को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। इसमें ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हमारा, तो इसमें हम जिंजर गार्लिक कटा हुआ ऐड कर देंगे चॉप्ड, और हरी मिर्च। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। जिंजर गार्लिक जैसे ही सॉटे हो जाएगा तो इसमें हम बारीक कटी अनियन ऐड कर देंगे। सबको सॉटे भी करते जाएंगे साथ ही साथ। फ्लेम आपको थोड़ी हाई रखनी है। और यहाँ पे मैंने आधी कैप्सिकम जो कि बिल्कुल बारीक बारीक काट के ऐड किए थे, थोड़ा सा पत्ता गोभी ऐड किया था बारीक कटा हुआ। इन सब चीज़ों को सॉटे करते जाएंगे। थोड़ा हाई फ्लेम रखना है आपको और इसको सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा क्रंची ही रखना है। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच पानी लिया था, 2 टेबल स्पून पानी था, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख लेंगे। अब मैंने सब्जियों पर ऐड किया 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून विनीगर, 1 से 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप ऐड किया था, और मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब हॉट सॉस ऐड किया था, रेड चिली का हॉट सॉस, इसको भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पानी ऐड कर देंगे। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च भी ऐड कर दी, नमक भी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दिया। इन सब चीज़ों को मिला लेंगे और इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे।
तो यहाँ पे देखिए बॉईल आ चुका है, तो इसमें हम मंचूरियन की बॉल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी बॉल्स ऐड कर दी थी, इन सबको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसको पानी के साथ पका लेंगे, जिससे सब फ्लेवर जो है ना अंदर तक चला जाता है। उसके बाद हम 1 1 टीस्पून करके ही इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करना है। इस तरीके से धीरे धीरे करके कॉर्नफ्लोर ऐड करना और थिकनेस आपको देखते जाना है कि आपको कितनी चाहिए। तो मुझे थोड़ा ग्रेवी बनानी थी इसकी, इसलिए मैंने थोड़ा गीला गीला रखा था इसको। अगर आप वो ड्राई ग्रेवी पसंद है तो आप उसको थोड़ा और सुखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट गोभी मंचूरियन स्ट्रीट स्टाइल या उससे भी ज़्यादा हेल्दी और अच्छा बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं इसको। और बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार बना था। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको रेसिपी तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।